ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू विनर द वीडियो। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस आजकल इंस्टाग्राम पे कुछ सिनेमेटिक फ्रेम वाली वीडियो कुछ इस टाइप की आपको देख रही होगी, जो कि आपने इंस्टाग्राम पे काफ़ी देखी भी होंगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे बना सकते हो इस टाइप की फ्रेमिंग वाली वीडियो, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल भी होती हैं। जस्ट आप लोगों को करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को सिंपली यहाँ पे जो है VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यही सेम प्रोसेस आप कैपकट में भी कर सकते हो, बट यहाँ पे VN में मुझे थोड़ा ईजी लगा तो मैंने आपको यहाँ पे VN का थोड़ा समझाया है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे VN एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना है। देन आप लोग अपनी कोई भी एक सिनेमेटिक वाली वीडियो को एडिट कर लेना है, ठीक है। सिनेमेटिक वीडियो एडिट कैसे कर सकें करते हैं, कलर ग्रेडिंग ये सब ऐड करके, वो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हो मेरे चैनल पर। तो मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ कि आपको फ्रेमिंग कैसे करनी है अपनी वीडियोज़ में। तो जस्ट गाइस आप लोग अपनी कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला। देन आप लोगों को करना क्या गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, मैंने कुछ एडिट किया था ये अपना, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं ऑल वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगा मेरे। आफ्टर दैट आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे गाइस आप लोगों को जो है यहाँ पे जाना है लेयर वाले ऑप्शन में, ऐड वीडियो वाले में, ठीक है, मीडिया वाले में। देन उसके बाद आपको चले जाना स्टॉक में, ठीक है। स्टॉक में जाओगे आपको एक ब्लैक वाला फ्रेम ले लेना है, ठीक है। देन आप लोग इसको थोड़ा जूम करना है इस तरीके से, एंड इसको जो है फुल स्क्रीन में कर देना है पूरा, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। आफ्टर दैट आपको करना ही क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको नीचे जाना है साइड में, एंड यहाँ पे आपको मास्किंग का ऑप्शन दिखेगा एक, ठीक है। सिंपली मास्किंग के ऊपर टैप करना है, देन आपको सर्कल दिख रहा होगा एंड उसके बगल में जो ये वाला दिख रहा है ये वाला ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार और इस पर क्लिक करना है, फिर इन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को करना है कि यहाँ पे जो आपको तीन चार पॉइंट्स दिख रहे होंगे, जिससे यहाँ से कम होता है एंड यहाँ से थोड़ा सा जो है पतला हो जाता है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। देन आपको उसको सेंटर में रखना है कुछ इस टाइप से, एंड देन उसके बाद आपको करना है क्या, यहाँ पे आपको लास्ट में एक पॉइंट दिख रहा होगा नीचे एरो टाइप का ये वाला ऊपर, देन आपको उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से रखना है। आपको चौकोर रखना है, चौकोर रख लो, थोड़ा सा सर्कल में करना है तो वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, अपने हिसाब से। देन आपको ये वाला पॉइंट दिख रहा होगा जिससे ये थोड़ा स्मूथ होता है, ठीक है, जो आपकी जो बॉर्डर लाइन है ये स्मूथ होती है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली रखना जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से आपका ये बन जाएगा फ्रेम, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक बार चला के देख लेना, मतलब किस कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, मतलब पहले मैं इसको फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप से, एंड यहाँ से प्ले करके देखते हैं हम। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमारी सिनेमेटिक रील वीडियो बन के रेडी है। अब गाइस देखिए यहाँ पे सारा जो है आपका कलर ग्रेडिंग उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसा किया है, ठीक है। तो अगर आपको कलर ग्रेडिंग वगैरह भी नहीं आता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर देख लेना। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।